न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS News TV और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। चुनाव से पहले क्या अजीत से छिनेगी घड़ी? कांग्रेस को अपना दफ्तर और झंडा भी सपा को सौंप देना चाहिए। मणिपुर में हिंसा प्रभावित के लिए बनाए जाएंगे 7,660 घर। तो आइए देखते खबर विस्तार से। चुनाव से पहले क्या अजीत से छिनेगी घड़ी? आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आज NCP शरद पवार बनाम NCP अजित पवार मामले में शरद पवार की ओर से दायर याचिका पर भी आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह घड़ी का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आई बढ़ती लिखा पर क्यों कांग्रेस को अपना दफ्तर और झंडा भी सपा को सौंप देना चाहिए। कांग्रेस ने यूपी में एक भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा है, इसको लेकर यूपी सियासत गर्मा गई है। सपा के इस फैसले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर तंज कसा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर विपक्षी गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने के ऐलान के बाद कांग्रेस पर बड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अपना दफ्तर और झंडा भी सपा को सौंप देना चाहिए। आई बढ़ती खबर क्यों मणिपुर में हिंसा प्रभावित के लिए बनाए जाएंगे 7,660 घर। मणिपुर के मुख्यमंत्री N. वीरेन्द्र सिंह ने बुधवार को एक बयान में कहा कि राज्य में हिंसा प्रभावित लोगों के लिए 7,660 घर बनाए जाएंगे। वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि पिछले साल मई में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से कई परिवार अलग अलग स्कूलों और कॉलेजों में रह रहे हैं। लोगों के लिए 7,660 अस्थायी घर बनाए जाएंगे। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाई टूडे जिसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS News। आप देख रहे हैं MNS News, सच जरूर।